पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या और देवीपाटन मंडलों के 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का दावा है कि यहां आगामी 24 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है। यहां बीते 24 घंटे में मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिला। शुक्रवार को धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को शनिवार को राहत मिली। सरयू का जल स्तर खतरे के निशान से महज 20 सेंटीमीटर दूर पहुंच गया है। वहीं अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में शनिवार को अगस्त माह का सबसे गर्म दिन रहा। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात के तापमान में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो बीते 12 दिनों में सबसे अधिक रहा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दोनों मंडलों में 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। रामनगरी में आसमान में काले बादल छाए रहने से लोगों को धूप और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले में आसमान में बादल छाए रहेंगे, यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और शारदा और गिरजा बैराज से पानी छोड़े जाने के असर अयोध्या में भी दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय जल आयोग के अयोध्या प्रभारी अमन चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे सरयू का जल स्तर 92.503 मापा गया। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में करीब 20 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। वहीं नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।